एमेसोड में इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। इस पहले इस पर हम क्लिक करते हैं, जब ये इंसर्ट मेन्यू में मिलता है हमें, जैसे कुछ नॉर्मल सा वर्ड, जैसे हमें लिखना है कि एक्स वाई टू, ठीक है ना, एक्स बाई टू। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे कॉमनली लिखते हैं हम लोग, लिखा एक्स बाई टू ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन इस पर जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका जो सही फॉर्मेट होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लिक करेंगे, जब क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ना तो ऐसा फॉर्मेट लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मान लो अगर चेंज करना है तो आपने कर दिया 2 बाई 5, ठीक है, ऐसे चेंज कर पाओगे आप। इसका तरीका यही होता है, अगर अगर पेपर वगैरह बनाओगे आप ना तो ऐसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर कुछ यूज़ करना है मान लो यहाँ पर, तो आपने क्लिक किया, ऐसे यूज़ करोगे 6, ठीक है, इक्वल 3xy, ठीक है, इस तरह से पेपर आप बना पाओगे अपना। और कुछ और चीज़ यूज़ करना हो, ठीक है, तो यूज़ कर पाओगे। जैसे मान लो एक पेपर बना लेते हैं, हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, लिख दिया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक मंगा लेते हैं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन चाहिए हमें, हमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसका चार ऑप्शन दे देते हैं, चार ऑप्शन कैसा, अल्फ़ाबेट वाला लगा दो यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 1 ये सही, ऑप्शन नंबर ये सही, ठीक है, तो इनमें से ये लगा दो और इंटर करो, दो बी आ गया, ठीक है। तो कुछ और चाहते हो लगा दो इसको, ये लगा दो सेपरेट बॉक्स, इस बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो लिख दो, ठीक है ना, 5, इसमें लिख दिया 10, ओके। तो इस तरह से आप पेपर बना सकते हो, कोई भी अगर आपको मिल जाए पेपर बनाने के लिए तो आप पेपर बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे ये लेना है कोई फॉर्मेट लगा दो, ठीक है, इंटर किया डी आ गया। और कुछ और चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले पड़े हैं अलग अलग टाइप के, क्लिक करो, फॉर्मेट केवल रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मेट रेडी हो गया, अब आपको काम करना है, क्लिक करो, देखो ई आ गया, ई नहीं चाहिए, बैक स्पेस करना। अब लिखेंगे क्या हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करोगे आप, आपने एक क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, ऐड किया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लगा दिया। अब इसके चार ऑप्शन दिखाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक किया, देखो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। और इस तरीके से आपने पूरा काम कर लेना, देखो ये पूरा पूरा यूज़ कर पाओगे, इतने सारे सिंबल बने पड़े हैं, इन्हें जो कीबोर्ड से नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शन वगैरह लगाना हो, ठीक है, रेडियल वगैरह लगाना हो तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, पेपर आप बना लोगे बहुत आसानी से, यहाँ पे अपना हेडिंग दे देना ऊपर हिस्से में यहाँ पर। और अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे क्या सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, क्लिक करेंगे हम, देखो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल है, स्माइली सिंबल है, मोर सिंबल पर जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना, ड्रॉप डाउन पे नीचे जाओ एकदम, यहाँ लिखा होगा विंगडिंग्स, क्लिक करना, देखो इतने बहुत सारे सिंबल पड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई सिंबल अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इंसर्ट कर लो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कुछ लिख रहे हो, कुछ आपको चाहिए, या टेलीफोन वगैरह डायरेक्टली लगानी है, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ और चीज़ें, इनका सिंबल लगा सकते हो, ये सिंबल लगा सकते हो, इंसर्ट करो और ये सिंबल मंगा लो, ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे सिंबल मिलेंगे अलग अलग, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ बहुत सारे सिंबल है, और क्लोज करो, देखिए देखो यहाँ से आ गया ये सब, सेलेक्ट करो, होम पे जाओ, इसको बड़ा कर दो, समझ में आया, ये टेक्स्ट जैसा ही काम करता है, ओके। तो इस तरीके से हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और भी सिंबल बहुत सारे इसमें, यहाँ क्लिक करके देख लेना, ठीक है, इनको हम मंगाने के तरीका की क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो पूरा कवर किया जाएगा पेज लेआउट को, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें,